सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आप कुछ भी करें कोई मायने नहीं रहता, लेकिन आप उसे किस मन से कर रहे हैं यह बहुत मायने रहता है। जो चीज गलत है वो गलत है। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहाँ बोलकर बुरे बन जाओ। केवल एक परीक्षा में असफल हो जाना आपकी हार नहीं है। जिस पल आप कड़ी मेहनत करना बंद कर देती हैं, तब आप वास्तव में हार जाती हैं। आज का पंचांग 13 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि 1:33 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र सुबह 10:53 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:54 से 3:28 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:54 से 12:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर शाम 4:22 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:14 तक रहेगा। कर्क राशि 13 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार, आज आप काल्पनिक से मूड में हैं। अलग अलग भूमिकाएं निभाने और कल्पनाओं में आपको बहुत मजा आता है। आप अपने लिए हर कहीं रोमांस ढूंढ लेते हैं। आपके सपनों की एक दुनिया है जिसे आपको सच करने का मौका मिल सकता है। आप आज अपनी भावनाओं के वश में होकर संबंधों या करियर में कुछ असंभव सा हासिल करना चाहेंगे। हालांकि बड़े फैसले लेने के लिए यह समय ठीक नहीं है। किसी विशेष काम को लेकर सफलता मिल सकती है जिससे आप खुश रहेंगे। नए कामों की योजनाएं बनेगी। अपनी किसी योजना पर काम करने के लिए लोगों से मदद मिल सकती है। आपका विश्वास और हौसला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केवल काम की गति को बढ़ाने की आवश्यकता है। जिन बातों के कारण जीवन में रुकावट महसूस हो रही है वह दूर होगी। जितनी एकाग्रता के साथ काम करेंगे उतनी आसानी से इन रुकावट को दूर करना संभव होगा। आपकी सोच में आ रहे बदलाव के कारण लोगों के साथ संबंध सुधरते हुए नजर आएंगे। करियर संबंधित एक ही बात पर पूरी तरह से ध्यान दें और उसमें स्थिरता प्राप्त करने की कोशिश करें ताकि ये अवसर पर काम करना आगे संभव होगा। बाकी के अवसर पर काम करना आगे संभव होगा। आपके व्यवहार के कारण पार्टनर को चिंता ना हो इस बात का ध्यान रखें। गैस की तकलीफ हो सकती है। मसालेदार और तले हुए पदार्थों का सेवन ना करें। सावधानियां, आर्थिक मामलों में दिक्कतें आ सकती है। बजट का ध्यान रखें। जल्दबाजी में लिए फैसले गलत हो सकते हैं। स्टूडेंट अपने प्रोजेक्टर को लेकर परेशान हो सकते हैं, ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के भी संबंध अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंधों में संयमित रहें। मंगल ग्रह आपकी प्रेम की इच्छाओं को जगा रहा है और आपके लड़ने की क्षमता और आपका विश्वास आपको अपने साथी के साथ या आपके साथी के पास ले जा रहा है। आपके रिश्ते में प्रेम के भाव उसी तरीके से महत्वपूर्ण हैं जैसे चाय में चीनी की मिठास। आप अपनी प्रेम या रोमांस में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। संगीत को महसूस करें। सब कुछ उज्जवल और रंगीन है। समय अनुकूल है। बात करते हैं करियर की। आज आपको विभिन्न भूमिकाओं का क्रियान्वयन करना पड़ सकता है, इसीलिए दोस्तों से मदद लेने में संकोच ना करें। ये सफलता के रास्ते पर आपको एक मजबूत समर्थन दे सकते हैं। छात्रों के लिए ये एक अच्छा समय हो सकता है और उन्हें एक प्रतिष्ठित संस्था से डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त हो सकती है। इन स्थितियों की वजह से उच्च भुगतान नौकरी में अवसर भी बढ़ेंगे। कारोबार में तेजी आएगी। कर्मचारियों की मदद से आपके काम बन जाएंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। सरकारी नौकरी करने वालों को तरक्की की खबर भी मिल सकती है। बात करते हैं सेहत की। अपने विचारों को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। नकारात्मकता आप पर हावी हो सकती है। आप दूसरों की देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अपनी सेहत के बारे में लापरवाह हैं।
इससे बहुत जल्दी आपका संतुलन बिगड़ जाएगा और आप मानवता की सेवा करने का अपना लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाएंगी। खुद को तरोताजा करें और शरीर को ताजगी देने के लिए गर्म पानी में ऑयल की कुछ बूंदे डालकर नहाएं। इससे मन को ताजगी मिलेगी। अपने साथ ऐसे जरूरी चीजें हमेशा रखें और दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताएं। आज का उपाय, आज आप केले के पेड़ की पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।